नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज का अड्डा पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक जीमेल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है, हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप सेम वैसे ही कीजिएगा जैसे मैं बताते जाऊँगा। एक ईजी तरीके से आप अपने लिए या किसी और के लिए भी आप जीमेल अकाउंट बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप, अगर मोबाइल फ़ोन है आपके पास तो मोबाइल फ़ोन में आप अपना किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, और अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो वहाँ पे भी आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले टाइप करूँगा गूगल अकाउंट, आप भी सबसे पहले लिखेंगे गूगल अकाउंट क्रिएट। जैसे ये लिख के सर्च कर देंगे, सर्च करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर गूगल सपोर्ट करके दिया है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। कभी कभी दोस्तों अगर मोबाइल में आप करेंगे तो हो सकता है गूगल सपोर्ट की जगह गूगल हेल्प लिखा होगा, तो भी आप उसी में क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, ये जो क्रिएट एन अकाउंट है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। इसी के साथ ही मैं आपको मोबाइल का वर्ज़न भी बता दूंगा, सबसे पहले हम लैपटॉप वर्जन में देख लेते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम टाइप कर लेंगे, आपका जो भी नाम है। नीचे आप अपना सरनेम टाइप कर लेंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपना जेंडर फिल कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है, फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको, आप किस प्रकार का जीमेल रखना चाहते हैं आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं इतना रखना चाहता हूँ current.ssp@gmail.com, यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। तो देखिए ये ऑलरेडी लिया हुआ है इसलिए इसने नहीं लिया, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर लेता हूँ मैं, RGN07। देखिए इसने नहीं लिया है इसलिए ये बन गया। यहाँ पे मैं पासवर्ड सिलेक्ट कर लूँगा। दोस्तों आपको जो पासवर्ड बनाना है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक बनाना है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब एक अपर केस होगा, एक लोअर केस होगा, मतलब एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक कोई भी नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो चलिए मैं बना देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अपर केस ले लेता हूँ, अब मैंने स्मॉल केस भी ले लिया, लोअर केस, साथ ही मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर ले लिया और नंबर भी ले लिया। आप देख सकते हैं मेरा पासवर्ड किस प्रकार से है, admin@1234। इसी प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना है दोस्तों, जिसमें एक कैपिटल लेटर होगा और स्मॉल लेटर भी होगा, साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स। इस प्रकार से बनाएंगे तो आपका पासवर्ड एक बार में रेडी हो जाएगा। चलिए मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप चाहे तो शो पासवर्ड कर सकते हैं, अगर देखना होगा तो आपको दोनों। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अपडेट के लिए बोल रहा, तो अभी नो थैंक्स करता हूँ मैं। रिकवरी ईमेल, आपको एक ऐसा मेल आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा जो कि अगर बाई द आप अभी जो ईमेल बना रहे हैं उसका अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं और आपको रिकवरी करना होगा तब आपको ये मेल काम आएगा। तो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल मेल डाल देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे रेडी हो गया, current.rjn07@gmail.com। अब इसे मैं नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ पे कुछ टर्म्स देंगे, इसको आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे एग्री कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों बन के रेडी होगा हमारा जीमेल। अब यहाँ से आप अपना अकाउंट देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, आप अपना जीमेल अकाउंट देख सकते हैं, सारा चीज़ जो गूगल मेल के पास होता है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलिए आपको इसी के साथ मैं बताता हूँ कि मोबाइल फ़ोन में आप किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, यहाँ पर हम एक न्यू टैब ले लेंगे, वहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करेंगे गूगल, हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे गूगल अकाउंट क्रिएट और सर्च कर लेंगे।
जैसे ही हम सर्च करेंगे, हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आप देख सकते हैं गूगल हेल्प का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल हेल्प का जो हमें वेब एड्रेस दिखाई दे रहा है, इसी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ से हम क्रिएट एन अकाउंट को टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो भी मेल्स पहले से ऐड होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो सबसे नीचे में आप ऐड अकाउंट टू डिवाइस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड लगा लेंगे या आप अपना फिंगरप्रिंट लगा लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ईमेल और फ़ोन नंबर डालने के लिए ऑप्शन आएगा। तो नीचे साइड आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट अकाउंट, ये वाला, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूछेगा आप पर्सनल बना रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पर्सनल बना रहा हूँ तो यहाँ पे पर्सनल को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे हम नाम टाइप कर लेंगे अपना और यहाँ पे हम सरनेम टाइप कर लेंगे या कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको चाहिए होगा आपके मेल आईडी में। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है, फिर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको किस प्रकार का आपको मेल आईडी चाहिए यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। तो मुझे चाहिए yash.yash@gmail.com, बस यही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बार सर्च करके देखता हूँ, ये ऑलरेडी किसी को दिया गया है इसलिए ये मुझे नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ और इसमें ऐड कर देता हूँ, yash.yash08। सॉरी दोस्तों, ये भी नहीं ले रहा है तो यहाँ पे हम कुछ और डाल लेते हैं। चलो मैं .mup ले लिया, yash.mup@gmail.com। ये ले लिया क्योंकि ये आईडी किसी को अलॉट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मैं अपने लिए पासवर्ड सेट करूँगा। पासवर्ड यहाँ पे भी आप सेम अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड सेट करेंगे, जिसमें से एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप, मैं नॉट नाउ कर देता हूँ, चाहे तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ से यस आई एम इन करना है। देखिए दोस्तों, हमारा जो जीमेल है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन देंगे, इसे आप एग्री कर देंगे। और इस प्रकार से कुछ ही देर में आपका जो मेल आईडी बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा लेट काम कर रहा है, देख सकते हैं। ये लास्ट वाला जो है इसे मैंने अभी क्रिएट किया, yash.mup@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है। तो इस प्रकार से दोस्तों इजी वे में आप तो इस प्रकार से दोस्तों इजी वे में आप अपने लिए मेल आईडी बना सकते हैं, चाहे तो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो। आपको बता दूं, मेल आईडी बहुत ही ज़रूरी है। आपको आज के डेट में कहीं भी आवेदन करना है, एप्लीकेशन करना है या किसी भी चीज़ के लिए, आपको कॉन्टैक्ट के लिए ही सही, लेकिन ईमेल आईडी की बहुत ज़रूरत होती है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एक अच्छा सा ईमेल किस प्रकार से लिखा जाता है और उस ईमेल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।